दिगर शहर में रमजान ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर ईदगाह पर पढ़ाई ईद उल फितर की नमाज में हजारों की तादाद में पहुंचे मुस्लिम बंधुओं ने नमाज और दुआ के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। गुरुवार 11 अप्रैल को दिगर शहर की ईदगाह पर हजारों की तादाद में मुस्लिम बंधुओं ने पहुंचकर ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर शहर काजी अबू जफर ने लोगों का मौलिक मार्गदर्शन किया। उन्होंने रोजे, नमाज, कुरान पाक की तिलावत के साथ ही जकात का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि खुदा को तलाशना है तो गरीबों, मजलूमों, जरूरतमंदों और मजबूर लोगों में तलाशो, उनकी मदद करो, उनसे मोहब्बत से पेश आओ ताकि अल्लाह आपसे राजी हो सके। इस दौरान उन्होंने ईदगाह पर नमाज अदा करने आए मुस्लिम बंधुओं को बताया कि जिस ईदगाह की जमीन पर हम सजदा कर रहे हैं वो खेत हिंदू भाई का है, जो बरसों से खुशी खुशी हमें ये जगह इबादत के लिए मुहैया कराता है। ये नेक दिली और मोहब्बत हमारे दिगर शहर की खास पहचान है। इस तकरीर के बाद खुतबा हुआ और फिर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद दुआ में देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से गुहार लगाई गई। इस मौके पर शहर काजी अबू जफर ने लोगों को मतदान की अहमियत से रूबरू कराते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान नामक लोकतंत्र के राष्ट्रीय त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और बतौर मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। रमजान मुबारक के अख्ताम पर ईदगाह पर बहुत ही खुशको अहतमाम के साथ ईद उल फितर मनाई गई। लोगों का बहुत भीड़ भाड़ हुजूम था। तकरीर हुई, खुतबा हुए, तमाम के लिए दुआ की गई है, खास करके वतन के लिए भी दुआ की गई है। मैं ये दो लफ्ज कह के अपने बयान को खत्म करता हूँ। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्याल बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारों तो हालात बदल सकते हैं। गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी रमजान ईद के मौके पर ईदगाह पर तमाम इंतजाम पूर्व पार्षद जावेद पहलवान और उनके मित्र मंडल ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ईद के मौके पर तमाम लोगों में आइसक्रीम का वितरण भी किया, सहित मुस्लिम बंधुओं से गले मिलकर उन्हें ईद की शुभकामनाएं भी प्रदान की। बहरहाल ईद पर उमड़े हुजूम के चेहरे पर ईद की खुशियां साफ तौर पर झलक रही थी। हर कोई एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशियां बांट रहा था और यह सारा नज़ारा अपने आप में ईद की खुशियों के मायने बयां कर रहा था। इसी तरीके से मैं पैगाम जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनको देना चाहता हूँ कि आप अपने फोन का इस्तेमाल कीजिए, खुशी न कीजिए, बल्कि आप किसी के हाल में हो वो जाकर दीजिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं देंगे तो हो सकता है आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। और हम यहाँ के हैं, यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं के नागरिकता है, लिहाजा हमारा हक बनता है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से आप जब वोट देने जाएं तो आप हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए आप किन फीचर जो बात आपको अच्छी लगती है या आपके हक में अच्छी होगी उसी हिसाब से आप वोट दीजिएगा। NBCN न्यूज़ के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट।